हेलो एवरीवन, इफ़ यू लाइक आवर वीडियोस प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल नित्या एजुकेशन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू। हेलो एवरीवन, होप यू ऑल विल बी फिट एंड फाइन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज पॉलिनोमियल फॉर क्लास 9। इन दिस वीडियो वी विल कवर इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल। बच्चे, आप सभी लोगों ने लास्ट जो चैप्टर था नंबर सिस्टम, उसमें सभी लोगों ने नंबर्स के बारे में पढ़ा, राइट? तो नंबर्स जितने भी अलग अलग तरह के नंबर आप लोगों ने पढ़े, ठीक, कैसे पढ़े, 0, 5, -6, 6/7, -3/2 एंड √5, बहुत सारे नंबर पढ़े, ये कुछ एग्जाम्पल थे उनके। तो आपने देखा इसमें इंटीजर भी है, होल नंबर भी है, रैशनल है और इरेशनल, ठीक, हर कैटेगरी है नंबर की। तो आप क्या देखते हैं कि इन सभी नंबर्स में एक चीज़ कॉमन है, वो कॉमन चीज़ क्या है कि ये सारे नंबर जो हैं वो क्या है, कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। तो देखते हैं कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या होती है। अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। एग्जांपल 4π √7 5 -9, दीज आर द एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट टर्म, राइट? नाउ व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल को बेटा हम एक एग्जांपल से समझते थे। राम और हैरी दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, क्या नाम है इनके, राम, और ये कौन है, हैरी। दोनों बहुत खुश नजर आ रहे हैं आपको पिक्चर में। ये कंचे खेल रहे थे और कंचे खेलने के बाद ये घर जाते हैं। रास्ते में इनको इनका फ्रेंड मिलता है राहुल, और राहुल राम से पूछता है, राम हाउ मैनी मार्बल्स डू यू हैव, राम तुम्हारे पास कितने मार्बल्स हैं। तो राम इसे डायरेक्टली आंसर ना देकर राम क्या कहता है कि मेरे पास हैरी से 2 मार्बल्स ज़्यादा हैं। कितने मार्बल्स ज़्यादा हैं? 2 मार्बल्स ज़्यादा हैं। इट मीन्स कि अगर हैरी के पास 5 मार्बल्स हैं तो राम के पास कितने हैं, 7। अगर हैरी के पास 10 मार्बल्स हैं तो राम के पास कितने हो गए, 12। हैरी के पास 18 मार्बल्स हैं तो राम के पास कितने हो गए, 20 मार्बल्स हो गए। तो आप देखो कि राम और हैरी दोनों के बीच में जो मार्बल का डिफरेंस आ रहा है वो कांस्टेंट है, कितना है, 2 है। इसका मतलब आर और एच यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं, वेरिएबल को शो कर रहे हैं, इनकी वैल्यू बदल रही है, और 2 किसको शो कर रहा है, कांस्टेंट को शो कर रहा है। तो आपको समझ आया होगा एग्जांपल से कि वेरिएबल वो टर्म्स होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। जो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस होती हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म्स का। वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म कुछ ऑपरेटर के साथ भी आते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि एग्जांपल आपने देखा 3x³, इसमें वेरिएबल क्या है, x, और कांस्टेंट क्या है, 3। तो ये वेरिएबल और कांस्टेंट क्या है, कॉम्बिनेशन होता है, और ये एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन यानी ऑपरेटर के साथ भी लिखे जाते हैं, 5y² + 6x, ठीक है। नाउ कम टू द आर टॉपिक दैट इज पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होते हैं? पॉलिनोमियल बेटा वो भी एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होते हैं, लेकिन वो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें एक्सपोनेंट इज अ होल नंबर, जिसमें एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, होल नंबर। एग्जाम्पल देखते हैं कि आपके पास एग्जाम्पल है ये, इसमें एक्सपोनेंट क्या है बेटा, 4, 2, 1 इज द एक्सपोनेंट, 4 इज द एक्सपोनेंट ऑफ x, 2 इज द एक्सपोनेंट ऑफ y एंड 1 इज द एक्सपोनेंट ऑफ z। तो ये क्या है, एक्सपोनेंट। अब ये 4, 2 और 1 ये तीनों कैसे नंबर है, होल नंबर है। तो यही एक कंडीशन है जो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में आपको ध्यान रखनी है कि वो सारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिनके एक्सपोनेंट जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं तो वो क्या बोले जाते हैं, पॉलिनोमियल, ठीक है। इसमें 5, 3 और 6 ये सब क्या है, कांस्टेंट, और इन्हें एक और नाम दिया जाता है कोफिशिएंट, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं जो ये शो करते हैं, देखते हैं कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं। तो ये मैंने एग्जांपल लिए हैं, 8x⁻²− 2, 5/z⁴+1, √x+7 और x⁴/5। अब -2 कैसा नंबर है, क्या ये होल नंबर है, नहीं, ये इंटीजर है।
फाइव अपॉन में जेड रेस टू द पावर, इसको कैसे लिख सकते हैं, फाइव जेड की पावर माइनस फोर, ये भी क्या है, होल नंबर नहीं है, रूट एक्स मतलब एक्स की पावर क्या है, वन बाय टू, रूट का मतलब वन बाय टू पावर, तो वन बाय टू भी कैसा नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है, और फोर बाय फाइव भी होल नंबर नहीं है. इट मीन्स ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर नॉट एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब ये सारे एग्जाम्पल पॉलिनोमियल नहीं है. क्यों नहीं है, बिकॉज माइनस टू माइनस फोर वन बाय टू फोर बाय फाइव आर नॉट होल नंबर्स, ठीक है, ये होल नंबर्स नहीं है. नेक्स्ट आते हैं कुछ पॉलिनोमियल, देखते हैं कि पॉलिनोमियल लिखे कैसे जाते हैं बेटा, मतलब अगर कोई पॉलिनोमियल मैंने कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो आप, जैसे कि फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस नाइन, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, पी एक्स. x क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, वो क्या है, पूरे पॉलिनोमियल में x, इसीलिए इसको क्या लिखा, px लिखा, और इसे क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. इसी तरह अगर वेरिएबल कितने हो, दो, तो उसको क्या लिखते हैं, pxy, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल. अगर पॉलिनोमियल तीन हो तो उसको, मतलब वेरिएबल तीन हो, x, y और z है जैसे कि तीसरे में, तो उसको लिखते हैं pxy और z, पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल. बेटा मैंने यहाँ पे पॉलिनोमियल में x, y और z वेरिएबल लिए, अगर आप यहाँ पे q, r, s, t लेते तो यहाँ पे p ब्रैकेट में q, r, s ये सब लिखे जाते हैं, ठीक है, ये वेरिएबल लिखे जा रहे हैं जो कि इस पॉलिनोमियल के अंदर हैं, ठीक है. तो इसको क्या बोला हमने, पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल. सो इस तरह से हम पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ कम टू द कोफिशिएंट टर्म, क्या है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होते हैं, कोफिशिएंट वो नंबर्स होते हैं जो कि वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखे जाते हैं. किस फॉर्म में लिखे जाते हैं, मल्टीप्लाई, जैसे कि जेड क्या है, वेरिएबल, उसके साथ मल्टीप्लाई में कौन लिखा हुआ है, सिक्स, तो सिक्स क्या हो गया आपका कोफिशिएंट, 4x माइनस सिक्स, एक्स का कॉफिशियंट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है. एक एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या चीजें पढ़ ली, ठीक. ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, इसमें सबसे पहले तो मुझे ये बताइए आप कि इसमें एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, 4, 3 और 1, जो कि एक होल नंबर है और ये हमारे एक्सपोनेंट है. एक्स वाई और जेड जो कि क्या है, वेरिएबल, और फाइव क्या है आपका कॉन्स्टेंट, और इसी तरह से जो सिक्स x के साथ मल्टीप्लाई की टर्म में, मल्टीप्लाई की फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, 6, इसका मतलब x की पावर 4 का कॉफिशियंट क्या हुआ, 6. y का कॉफिशियंट क्या हुआ बेटा, y का कॉफिशियंट यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इसका मतलब y कोई नंबर तो दिखा नहीं, तो क्या है y का कॉफिशियंट, 1 है, मतलब माइनस 1 है साइन के साथ, ठीक है. तो y का कॉफिशियंट, y की क्यूब का कॉफिशियंट क्या है, माइनस 1, और z का कॉफिशियंट है माइनस 1, तो ये क्या बोले जाते हैं, कॉफिशियंट बोले जाते हैं जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में लिखे होते हैं, ठीक. अब आप देखिए कि इस पॉलिनोमियल के अंदर कितनी टर्म है, जैसे कि 6x की 4, y की क्यूब, z और 5, इसमें कितनी टर्म है, 4 टर्म्स हैं, ठीक है. तो पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है, पॉली मीन्स मैनी और नोमियल मीन्स टर्म, जो भी पॉलिनोमियल कई सारी टर्म्स के साथ मिलके बनता है उसे हम पॉलिनोमियल बोलते हैं. जैसे कि ऊपर वाला जो एग्जांपल मैंने आपको दिखाया वो कितनी टर्म से मिलके बना है, 4 टर्म से मिलके बना है, ठीक है. तो पॉलिनोमियल मीन्स मैनी टर्म्स, कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी टर्म्स, राइट. नाउ कम टू द डिग्री, व्हाट इज डिग्री, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है, एग्जांपल देखते हैं कि आपके पास ये एग्जांपल है, अब आप बताइए कि इसमें हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, 4, ये एक्सपोनेंट है ना, एक्सपोनेंट कितने हैं इसमें, 1, 2 और 3 एक्सपोनेंट है. वाई का एक्सपोनेंट क्या है, यहाँ पे 1 है, तो इसमें सबसे हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है आपका, 4, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी कितनी हो गई, 4. अब देखिए मैंने आपको टर्म पढ़ा दिया और डिग्री पढ़ा दी. जो पॉलिनोमियल होते हैं उनको हम क्लासिफाई करते हैं दो बेसिस पे, एक ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. तो वन बाय वन इसको डिस्कस कर लेते हैं. टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, अगर एक टर्म आती है तो उसे मोनोमियल बोलते हैं, अगर यही दो टर्म्स आती हैं तो उसे बाइनोमियल बोलते हैं, पॉलिनोमियल के अंदर तीन टर्म आती है तो ट्राइनोमियल बोलते हैं, और अगर कोई कांस्टेंट नंबर है तो उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं. और कांस्टेंट पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और
कैसे 4x raise to the power 0 है, और x की power 0 आपको पता है क्या होता है 1, तो ये क्या बचा 4। तो इस तरह से हम constant polynomial बोलते हैं। 0 polynomial, 0 को क्या बोलते हैं, 0 of the polynomial, 0 of the polynomial की कोई भी degree नहीं होती है। Now classify the polynomial on the basis of degree। डिग्री के बेसिस पे जो पॉलिनोमियल होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। डिग्री मतलब हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द पॉलिनोमियल, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है। तो इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट एक्सपोनेंट बताइए कि क्या है, एक्स की पावर कितनी है 1, तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या हुआ 1। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 होती है उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, जिनकी डिग्री 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, जिनकी डिग्री 3 होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, और बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब हाईएस्ट डिग्री, मतलब हाईएस्ट नहीं, हाईएस्ट एक्सपोनेंट 4 मींस डिग्री कितनी 4 आ गई। ठीक है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है बेटा 0, क्योंकि कांस्टेंट को कैसे रिप्रेजेंट करके लिखा जाता है, जैसे कि अगर यहाँ पे एग्जांपल 8 है तो आप 8 को पॉलिनोमियल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखेंगे 8 एक्स रेज टू द पावर 0, तो x की पावर 0, 0 क्या है उसका एक्सपोनेंट, इसीलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो क्या होती है 0। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अब वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसमें बेटा x की जगह पे, इस x की जगह पे हम वैल्यू बदलते जाते हैं, मतलब कभी 1, 2, 3, 4, 5 अपनी जो भी 1/2 जो भी रखेंगे उसको रखने से इस पॉलिनोमियल की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। जैसे कि हमने 1 रख के देखा तो x सभी x की जगह पे क्या हो गया f ऑफ 1, तो इस f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू एक्स मतलब 2 इंटू 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया 4, तो f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब इस x की जगह पे क्या रख दो 2 रखो आप, तो f ऑफ 2 की वैल्यू आ जाएगी, x की जगह पे 3 रखेंगे तो f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19। तो आपने देखा कि जो वैल्यू x की, मतलब कोई भी नंबर रखने पर उस पॉलिनोमियल की कुछ ना कुछ वैल्यू आती है, जैसे f1 रखा तो 4 आई, 2 रखा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 9 आई, 3 रखा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 19 आई। इस तरह से आप कुछ भी नंबर रख सकते हैं। लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है कि कोई भी पॉलिनोमियल बेटा आपका है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ऐसा कोई भी नंबर जिसको यहाँ पुट करने पे, मतलब x की जगह पे पुट करने पे, वो इस पॉलिनोमियल की पूरी वैल्यू को क्या कर देगा, जीरो बना देगा। जैसे कि f ऑफ 2 रखते हैं, x की जगह पे क्या रखते हैं 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स मतलब 2 इंटू x की जगह 2, तो आपने देखा 2 का स्क्वायर 4 और 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 4 0, तो आपने देखा 2 रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई। एक और क्वेश्चन लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x, अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखें, अब मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 3 रखी और मैंने देखा कि मेरा पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, इट मींस जो 2 है और जो 3 है वो क्या है दोनों 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, सो 2 एंड 3 आर द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आपको ये समझ आया होगा कि हमने पॉलिनोमियल के बारे में सारी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन थी, जो सारे बेसिक पॉइंट्स थे, वो सब हमने इस वीडियो में कवर कर लिए। तो एक बार रिकैप करते हैं और देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा कांस्टेंट, फिर पढ़ा हमने वेरिएबल, फिर उसके बाद एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। उसके बाद हमने पढ़े पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इज ऑल्सो एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन हुज एक्सपोनेंट इज होल नंबर, जिसके एक्सपोनेंट क्या होते हैं होल नंबर होते हैं। उसके बाद आपने कोफिशिएंट पढ़ा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ा और क्लासिफिकेशन पॉलिनोमियल का पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, एंड लास्ट आपने पढ़ा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल विद्या एजुकेशन एंड गिव द पॉजिटिव कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। Thank you all of you. Thanks for watching.